का पैनल है हाँ, वो उसमें क्या होता है जो शेड होते हैं ना वो हैवी देने थे। अच्छा उसमें दे दिया वो मच्छरदानी जैसी। अच्छा I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निके सोलंकी। तो सारे भाई कैसे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की डेट में जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रही है ग्रैंड विटारा, जिस पर बहुत ज़्यादा वेटिंग भी है। भाई बताएंगे कि कैसे मिली है, कितना टाइम लगा है, क्या बुकिंग कराई भाई ने, सब पूछते हैं। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भैया। तो भाई कौन सा मॉडल है सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। डेल्टा। क्या वेटिंग है भाई इस पे? इसकी अभी तो है कोई 6-7 महीने की वेटिंग। तो आई 6-7 महीने की वेटिंग है। तो आपने कब बुक कराई थी ये? मैंने भैया बुक कराई थी अभी हफ्ता पहले। हफ्ता पहले? हाँ जी। तो क्या जुगाड़ लगाया? प्रीमियम भैया। प्रीमियम? कितना प्रीमियम दिया आपने इस पे? वो तो रहने दो, बाकी तो। फिर भी था 1 लाख से ऊपर ही था। 1 लाख से ऊपर? वो एसेसरीज दिया आपको उसकी या फिर प्रीमियम ही लिया? ऐसा खाली दिया 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया और बाद में एसेसरी वगैरह मैंने अलग से लगवाई। अच्छा एसेसरीज बाद में अलग लगवाई। कितने की एसेसरीज लगवाई फिर आपने? इसमें कोई 15-20 हज़ार रुपए की एसेसरी लगवाई है। अच्छा हाँ जी। ये आपको कितने की पड़ी ऑन रोड? ये इसका जो ये वाला वेरिएंट है ये कम 14 समथिंग के अराउंड है। अच्छा मेरे को नाना करते हुए भी ये 16 से ऊपर पड़ी हुई है विद प्रीमियम और एसेसरीज। अच्छा अच्छा। तो बात कर लेते हैं भाई, भाई ने 6 महीने की वेटिंग है लेकिन ली है 1 हफ्ते के अंदर। हाँ जी। भाई ने 1 हफ्ते के अंदर ली है। भाई लोगों ने गिफ्ट करी थी दोनों बड़े। अच्छा अच्छा भाई, सबसे बड़ी बात ये देखो सब कुछ चेंज कर दिया लेकिन इन्होंने गाड़ी की चाबी चेंज नहीं की, वही की जो मेरी बलिनों की थी। मतलब ये बहुत पुरानी है यार, मतलब पता नहीं क्यों नहीं चेंज करते इसे, ऐसी सेम जो विदाउट पुश बटन की आती है ना की गाड़ी चेंज कर। हाँ गाड़ी चेंज कर दी लेकिन की वही सेम रखी है भाई, वही मतलब पता नहीं कितनी कॉस्ट कटिंग करते हैं। बाकी भाई फीचर्स में देखे जाए तो मतलब आपने क्या सोच के इसको बुक किया था, कुछ आपको पता था इसके बारे में या मतलब बस मन में आ गई? नहीं नहीं भैया, पता क्या ये आती है माइल्ड हाइब्रिड के साथ में। अच्छा। और आज की डेट में डेल्टा जैसे वेरिएंट में और जितने इसके ये पैसे दिए ना मैंने वो ये है कि वर्थ रखते हैं। वर्थ रखते हैं। तो बात कर लेते हैं भाई फीचर्स की, फीचर्स क्या क्या आप जो आपको इसके पसंद है? फीचर भैया अभी इसके अंदर ना ये आप बैठो मैं दिखाता हूँ। आ जाओ साइड में आ जाओ आप। भाई फीचर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि भाई कह रहे हैं कि सबसे मेन मैंने ये फीचर्स की वजह से लिया है। तो भाई क्या क्या फीचर्स हैं वो बात कर लेते हैं इसमें। फीचर भैया इसमें कोई स्पेशल तो है नहीं, बाकी इंटीरियर वाइज गाड़ी अच्छी है। इंटीरियर तो भाई नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई स्पीडोमीटर भी इतना अच्छा है, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है भाई इसकी भी। इसके साथ बात कर लेते हैं भाई 7 इंचेस की स्क्रीन होगी कार में। 7 इंचेस की इसी स्क्रीन के अंदर है। ही सारे फीचर दिए हुए हैं। हाँ एप्पल कार प्ले वगैरह सब कुछ होगा इसमें। एप्पल कार प्ले है। हाँ हाँ एप्पल कार प्ले वगैरह ये वो सारी चीजें इसमें। ये रेंज वगैरह ये सबसे स्पेशल फीचर है जो ये दिखाता है एनर्जी फ्लो का और इंजन फ्लो का। अच्छा इसमें क्या है, अगर आप मतलब ये माइल्ड हाइब्रिड है ना तो इसको अगर आप उस पे करना चाहो ईवी पे तो ये ईवी पे हो जाएगी। अच्छा हाँ जी। और इंजन पे करना चाहो तो इंजन पे, मतलब अगर हम फ्यूल कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें इसको 80 से अबव चलाना पड़ेगा। अच्छा अगर 80 से नीचे है तो ये बैटरी पे चलेगी? 80 से अबव बैटरी पे चलेगी, उससे नीचे ये पेट्रोल पे चलती है। अच्छा हाँ जी। कन्वर्ट हो जाती है इसपे, मतलब ये करना पड़ता है या ऑटोमेटिक हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। और जो मतलब इसके अब वो मॉडल आते हैं अल्फा अल्फा प्लस वगैरह में, उसमें 2 मोड आते हैं ईवी मोड और सिटी मोड वगैरह में। अच्छा। तो उसमें सिटी मोड पे तो वो पेट्रोल पे ही चलेगी। हाँ हाँ। और ईवी पे फिर ये इलेक्ट्रिक पे हो जाती है। अच्छा हाँ जी। भाई साहब मतलब ये फीचर तो भाई इसका खतरनाक है। ग्रैंड विटारा में इतना बढ़िया फीचर दे दिया मारुति वालों ने। इसकी ये स्पीड वगैरह ये देखो भाई, एनर्जी फ्लो में जाके हम इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये किस पे चल रही है, पेट्रोल पे चल रही है मतलब या फिर बैटरी पे चल रही है। बाकी भाई एवरेज स्पीड क्या है, फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ आ रहा है इसमें, काफी अच्छे फीचर्स है भाई। बाकी इंटीरियर भाई बहुत प्रीमियम दिया इसका भी,
ये कुछ फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड है ना? सेम ही है भैया, ये मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है। अच्छा अच्छा, मैंने ये पूरा सेम देखा हुआ, उसका क्या इकोनॉमी पूरी सेम ऐसे आती है, इसकी यूं दी हुई है भाई साहब, मतलब अच्छी गाड़ी बनाई है। स्पेस के मामले में बात कर ले तो भाई स्पेस भरपूर है भैया, भरपूर है, 5 सीटर के हिसाब से भाई मतलब स्पेस काफी है। बाकी मैं दिखाऊंगा अभी आपको पीछे बैठ के, बूट स्पेस लाइक 360 वगैरह इसमें है? नहीं, इस मॉडल में नहीं है, रेयर है इसमें। अच्छा रेयर है, हाँ जी। 360 नहीं दे रखा इसमें, सेंसर्स भी नहीं है? सेंसर है, सेंसर काम कर, मतलब सेंसर है, हाँ जी, रेयर के साथ में सेंसर है। अच्छा भाई साहब, मतलब आगे के सेंसर है इसमें? आगे के नहीं है, फ्रंट, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 360 का कोई काम नहीं है इसमें? नहीं नहीं, टॉप मॉडल में आता हुआ वो सर। बाकी भाई मतलब ये सब कंपनी से ही आया है? हाँ, या लगवाया है मतलब आपने? ये भैया कंपनी का ही दिया हुआ सब कुछ। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही तो लिया मैंने गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई भाई ने 2 दिन पहले ही गाड़ी ली है। ज्यादा मतलब कह नहीं सकते, भाई का वेरिएंट टॉप से एक, टॉप से दो नीचे है, दो नीचे है, ये सेकंड बेस है, सेकंड बेस है। अच्छा, ये डेल्टा मॉडल है, मतलब सिग्मा होगा सबसे लो, सिग्मा सबसे लो होता है भाई, डेल्टा मॉडल है भाई का, जिसमें आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ दे रखा है। बाकी टॉप मॉडल में भी स्पीडोमीटर वगैरह सेम था? हाँ जी, अट्रैक्शन ऑन ऑफ ये वो सारी चीजें अच्छा दी हुई हैं। हाँ भाई, अट्रैक्शन मोड वगैरह सब दे रखा है इसमें भी। तो मतलब इसमें और टॉप वेरिएंट में कितना क्या डिफरेंस था भैया? वो है कोई 22 समथिंग का। अच्छा, और ये था कोई 14 समथिंग का, मतलब इसको प्रीमियम दे के मेरे को वही पड़ी थी 16 अबव। अच्छा, वो प्रीमियम दे के पड़ती मेरे को कोई 24 अबव। ये भी है, और उसमें मेन क्या है ना इसका, मतलब जो टॉप मॉडल ले रहा है उसके मुंह से अभी तक मैंने क्या चीज सुनी है, जो उसके वो रूफ का पैनल है, हाँ, वो उसमें क्या होता है, जो शेड होते हैं ना वो हैवी देने थे। अच्छा, उसमें दे दिया वो मच्छरदानी जैसी। अच्छा, वो हाथ लगाते हो तो मतलब हिलने लग जाती है। अच्छा, वो रूफ बड़ी करी है तो वो, हाँ, मतलब उसी की वजह से अंदर घुस पा रही है वो। मतलब वो मून रूफ दे तो दी मारुति वालों ने, लेकिन हाँ, वो कामयाब वाली नहीं थी। कामयाब वाली नहीं थी, उसमें क्या दिक्कत है, वो गाड़ी को मतलब ठंडा ही नहीं होने देगी, जैसे अभी बैठे हुए। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं दे रही सेट होने देगी गाड़ी का भाई साहब, क्योंकि है तो ग्लास ही, वो बिल्कुल तपेगी, बिल्कुल वो फिर उसमें एसी कामयाब नहीं है, दोनों में नहीं है ये। अच्छा, ये शिकायत आ रही है कस्टमर, हाँ जी, एक हाइड राइडर में भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। अच्छा, ये जिससे मैंने ली थी उसी ने मेरे को बोल दिया था कि भैया आप टॉप मॉडल मत लो। अच्छा, मतलब खुद ही उन्होंने आपको सजेस्ट कर दिया, ये भी बढ़िया है भाई, वरना बाद में दुखी होते। तो भाई बात करते हैं, यहाँ पे तो देखो काफी स्पेस है, पीछे बात करते हैं स्पेस की, पीछे कितना क्या स्पेस है भाई। जैसे मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर सेट कर रखी है, उसके बाद भी भाई काफी स्पेस है, स्पेस की तो कोई वो ही नहीं है। बाकी पीछे भी अपना एसी वेंट दे रखे हैं, भाई पीछे भी आर्मरेस्ट है, हेडरेस्ट तीनों सीटों में, मतलब काफी बढ़िया बना रखे, बीच में भी दे रखा है हेडरेस्ट भाई। ये कुछ अलग है भाई, ये मैंने नॉर्मल गाड़ियों में तो नहीं देखा। अब आपको मैं बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत है यार, काफी है यार, मतलब आपको वर्थ इट लगी गाड़ी? 14 लाख के हिसाब से तो वर्थ इट है, उस हिसाब से वर्थ है, वर्थ है। बाकी भाई ने प्रीमियम भी दिया, जब भी भाई खुश है गाड़ी से। बैक में भी ये चार्जिंग सपोर्ट वगैरह दी हुई है नॉर्मल स्विच वगैरह रखने के लिए। सही है भाई, अच्छी गाड़ी बनाई है कुल मिला के। बाकी लुक देखो भाई गाड़ी की, पीछे से तो कोई होड़ ही नहीं है भाई, रेंज रोवर लुक है पूरी। आगे से तो फिर भी सो एंड सो है, लेकिन जो बैक प्रोफाइल है ना उसकी तो कोई भाई टक्कर ही नहीं है। ये अपना स्मार्ट हाइब्रिड भाई, जो भाई ने अभी बताया था, उसका लोगो है पूरा, बैच लगा रखा है। बाकी भाई अलॉय आपने बाहर से लगवाए या आते हैं इस मॉडल में? इस मॉडल में नहीं आते, ये मैंने कंपनी वालों को ही पैसे दिए थे। अच्छा, उनसे रिम लेके लगवा लिया भाई। क्या कॉस्टिंग दी इनकी आपको? भैया 50,000। 50,000, ये टॉप वेरिएंट में आते हैं? ये टॉप वेरिएंट में आते हैं और जेटा मॉडल में आते हैं। अच्छा, तो भाई भाई ने अलॉय कंपनी से ही परचेज किए हैं, एक्सचेंज किए होंगे ना आपने? तो एक्सचेंज नहीं किए भैया, मैंने रिम भी रख ली है। अच्छा, रिम भी रख लिया आपने, काम आए भाई। मतलब भाई का अभी तक टेम्परेरी नंबर पे ही है, 4-3 दिन हुए हैं भाई को लिए, तो गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लुक काफ़ी अच्छी है भाई गाड़ी की। बाकी भाई कंपनी टॉप मॉडल में क्या साइज दे रही है? 17 है, हाँ ये रहा भाई, 215/60 R17 दे रही है। ठीक है यार, 17 इंच के हिसाब से अपोलो का टायर दे रही है,
अच्छी लग रही है गाड़ी। ये कलर कौन सा है? ये चेस्टनट ब्राउन भी है। चेस्टनट ब्राउन है भाई, लो अच्छा लग रहा है। इसमें कितने कलर है? कुछ ये एक सिल्वर आता है, एक पर्ल वाइट है। पर्ल वाइट मैंने इसलिए नहीं दिया, वो टैक्सी लुक देता। हाँ, वो येलो हो जाती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती, नई भी पुरानी नजर आती है। भाई कुल मिला के गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ग्रैंड विटारा नई आई है गाड़ी में। भाई ने आपको एक्सपीरियंस, ये सिग्नेचर कलर है गाड़ी का। बाकी आपको सारी बातें बताई दी, टॉप वेरिएंट लेने का क्या नुकसान है और ये लेने का क्या फ़ायदा है, और फ़र्क भी बहुत है यार। ये 14 लाख की, वो 22 लाख की है। 8 लाख रुपये बहुत मायने रखते हैं, 8 लाख में क्या ही फीचर दे देंगे कंपनी वाले। हाँ बिल्कुल यार, 22 लाख रुपये में अगर तुम जा रहे हो तो XUV 700 L का जा रहा है, बहुत गाड़ी आती है यार 7 सीटर में जाओ फिर तो। तो भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लव यू ऑल, दी एंड।